तो दोस्तों, इस बंदे ने T20 वर्ल्ड कप को पैसा देकर अनलॉक किया, लेकिन फिर भी अनलॉक ही है, मतलब कुछ इश्यू है इसमें। हेलो दोस्तों, हेलो, आप सब लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ऐसा ही कुछ बग्स के बारे में जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो अंत तक बने रहिए दोस्तों। पहला तो मैं आप सब लोगों को शुक्रिया कहना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरा पिछले वीडियो WCC3 बग्स के बारे में आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया था दोस्तों। लेकिन उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया मुझे क्या क्या बग्स मैंने फेस किया, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्या क्या बग्स आपने फेस किए इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज भी आएगा दोस्तों। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, इस बंदे ने मतलब WCC3 T20 वर्ल्ड कप में मतलब पैसा देकर 249 रुपीज़ देकर मतलब पैसा देकर इसने ख़रीदा गया दोस्तों, लेकिन फिर भी अनलॉक नहीं हुआ दोस्तों, ऐसा कुछ बग है दोस्तों। तो दोस्तों, इस पिक्चर के ऊपर मतलब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इंडिया की टीम में मतलब अफगानिस्तान का मतलब जर्सी आ गया दोस्तों। आप उधर स्क्रीनशॉट देख सकते हो, टीम तो इंडिया का है लेकिन जर्सी अफगानिस्तान का आ गया दोस्तों, ऐसा भी कुछ बग्स आ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस बंदे का ये कहना है कि इसने मतलब इसका गेम थोड़ा सा हैंग हो गया और हैंग होने के बाद मतलब इसने स्क्रीन को टैप करने लगा तो इसका 120 प्लैटिनम कॉइन्स मतलब स्पेंड हो गए, मतलब इसका किट बैग को मतलब ओपन करने के लिए 120 प्लैटिनम कॉइन्स स्पेंड हो गया और कोई भी कंफर्मेशन इसने मतलब गेम ने पूछा नहीं, ऐसा इस बंदे का कहना है दोस्तों। ऐसा भी कुछ बग्स चल रहे हैं। तो दोस्तों, इस बंदे का ये कहना है कि जब भी टीम रिकवर करने के लिए जाता है तो मतलब आवर सर्विस इज़ नॉट रीचेबल, ऐसा कुछ बग आ रहा है दोस्तों। ऐसा बग मुझे भी एक दो बार मिल गया है दोस्तों, मतलब मुझे भी एक दो बार हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों, इस बंदे का ये कहना है कि इसने T20 वर्ल्ड कप को प्लैटिनम कॉइंस देकर मतलब अनलॉक किया, लेकिन जब इसने 5 ओवर खेलने के बाद जब गेम ओपन किया तो फिर से इसको कॉइंस मांग रहा मतलब अनलॉक करने के लिए दोस्तों, ऐसा इसने ट्वीट किया। ऐसा भी कुछ बग्स चल रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस बंदे ने भी प्लैटिनम कॉइंस देकर अनलॉक किया, लेकिन फिर जब वापस आए तो इसको फिर से प्लैटिनम कॉइंस मतलब 48 प्लैटिनम कॉइंस फिर से मांग रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों को राइट साइड की स्क्रीनशॉट पर आप लोगों को दो बैट्समैन दिख रहे होंगे, लेकिन अगर वही आप लोगों को लेफ्ट साइड दो स्क्रीनशॉट पर अगर आप देखें तो आप लोगों को एक भी बैट्समैन नज़र नहीं आएगा दोस्तों। सिर्फ बैट दो नज़र आ रहा, लेकिन एक भी बैट्समैन नज़र नहीं आ रहा दोस्तों। ऐसा भी कुछ बग्स मतलब इस बंदे ने फेस किया, और वो भी बहुत ज़्यादा बार इस बंदे ने फेस किया कि सिर्फ मतलब बैट ही दिख रहा है दोस्तों और बैट्समैन नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों, इस बंदे का ये कहना है कि परफेक्ट टाइमिंग इज़ मिडिल, लेकिन जब अपडेट आया तो फिर मतलब परफेक्ट टाइमिंग बार बार हर बॉल पर चेंज हो रहा है, मतलब इसको चेंज करने के लिए इस बंदे ने बोल रहा है दोस्तों। हाँ, ये सही है दोस्तों, मतलब बार बार मतलब हर बॉल पर परफेक्ट टाइमिंग चेंज हो रहा, मतलब एक बार सही रह रहा लेकिन उसके बाद परफेक्ट टाइमिंग चेंज हो रहा है दोस्तों। अगर आपको भी ऐसा कुछ है तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर आपको भी वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना। और दोस्तों, मेरे वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि WCC3 में क्या क्या बग्स है, मतलब ये बग्स WCC3 को सॉल्व करना पड़ेगा अपने नेक्स्ट अपडेट में, मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों। तो इस वीडियो को मतलब इतना ज़्यादा वायरल कर दो कि WCC3 जरूर जल्दी से जल्दी सॉल्व करे अपने नेक्स्ट अपडेट में। तो दोस्तों, आपने भी ऐसा कुछ बग्स आपने फेस किया तो ज़रूर कमेंट कर मुझे बोलिएगा। अगर आपका भी मतलब कुछ ट्वीट मैंने पिक किया तो आप लोग मुझे उसके बारे में भेजें, जरूर कमेंट कर बोलिएगा दोस्तों। आज का वीडियो में बस उतना ही दोस्तों। अगर नया है तो चैनल में सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर रखना, जैसे मैंने वीडियो अपलोड किया आपको तुरंत मिल जाएगा दोस्तों। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में।